नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी बरकरार चलती रहे। तो चलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए जिससे आज की वीडियो में सभी लोग जुड़ जाएं। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है या कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए ओडिशा से संबंधित है, कि बिहार से संबंधित है, कि बंगाल से, कि आंध्र प्रदेश से। तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप बंगाल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, सिरे प्रद्यू किसको गढ़ने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी रबड़। तो सही विकल्प क्या होगा? तो यहां पे सही विकल्प है ऑप्शन सी धातु। तो सिरे प्रद्यू धातु को गढ़ने की प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? बताइएगा कि चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है, 10, 9, 8 कि 7? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9। तो चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? 9 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में, कर्नाटक में। सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोग ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, राजस्थान। तो पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकिंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए श्रीनिकेतन में, ऑप्शन बी कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में, ऑप्शन सी शांति निकेतन में, ऑप्शन डी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी शांति निकेतन में। राम किंकर बैज की कला की शिक्षा प्राप्त हुई थी शांति निकेतन में। अगला प्रश्न है, आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए डेविड ओगलेवी, ऑप्शन बी जैक ट्राउट, ऑप्शन सी सुजेन जिलेट, ऑप्शन डी अलेक पद्मसी। तो प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन ए डेविड ओगलेवी। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी थी? पहला है अवतार, दूसरा है टाइटेनिक, तीसरा है असलम डाग मिलेनियर और चौथा ऑप्शन है एपोकल्पसी नाउ। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी असलम डाग मिलेनियर। अगला प्रश्न है, हमजानामा के मूल चित्र किस पर चित्रित किए गए थे? ऑप्शन ए कागज पर, ऑप्शन बी कपड़े पर, ऑप्शन सी ताड़पत्रों पर, ऑप्शन डी काष्ठ की पट्टियां। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी कपड़े पर। अगला प्रश्न है, बी कुंजमणि कौन है? तबला वादक, बांसुरी वादक, सरोद वादक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी बांसुरी वादक।
चलिए अगला प्रश्न है, रागमाला किसने लिखी है? सोमेश्वर ने, सर्वेश्वर ने, वात्स्यायन ने, कुमार स्वामी ने? तो यहाँ सही विकल्प होगा आपसे नहीं, सोमेश्वर ने। तो रागमाला को लिखने वाले कौन है? सोमेश्वर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, पृथ्वीराज कपूर क्या थे? नेता, व्यापारी, आर्किटेक्ट, अभिनेता? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अभिनेता। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्णन किस में किया गया है? संगमरमर में, बलुआ पत्थर में, कि ग्रेनाइट में, कि चूना पत्थर में? तो सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ग्रेनाइट। तो महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्णन ग्रेनाइट में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार मानकू किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित है? पहला ऑप्शन राजस्थानी, दूसरा ऑप्शन मुगल, तीसरा ऑप्शन कांगड़ा और चौथा ऑप्शन बसोहली। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कांगड़ा। तो प्रसिद्ध चित्रकार मानकू भारतीय चित्रकला कांगड़ा शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? धार में, हैदराबाद में, कोटा में, ग्वालियर में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने की थी? नाना पाटेकर, श्याम बेनेगल, ओमपुरी, ओम शिवपुरी? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ओमपुरी ने। अगला प्रश्न है, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? पहला ऑप्शन पेंटिंग, दूसरा मूर्तिकला, कि संगीत से, कि प्रिंट मेकिंग से? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, प्रिंट मेकिंग से। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? गायक के रूप में, कलाकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में या नृत्यकार के रूप में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार के रूप में अमरनाथ सहगल प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईट मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ में, भीतरगांव में, ईरान में, कि बोधगया में? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है, भीतरगांव, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पहला ऑप्शन राधाबाई सुब्बारायन, दूसरा ऑप्शन रोजमिलियन मैथ्यू, तीसरा ऑप्शन अर्जुन अन्ना जॉर्ज और चौथा ऑप्शन सरोजिनी नायडू? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, रघुराय जाने जाते हैं उपन्यासकार के रूप में, कार्टूनिस्ट के रूप में, अभिनेता के रूप में, कि फोटोग्राफर के रूप में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फोटोग्राफर के रूप में। अगला प्रश्न है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में गढ़ी गई? ऑप्शन ए अंबाजी संगमरमर में, ऑप्शन बी मद्रास ग्रेनाइट, ऑप्शन सी जोधपुर बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी चुनार बलुआ पत्थर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चुनार बलुआ पत्थर। चलिए अगला प्रश्न है, सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया? पहला ऑप्शन रूबेंस ने, दूसरा ऑप्शन रेम्ब्रांट ने, तीसरा ऑप्शन वान गॉग ने और चौथा ऑप्शन रेम्ब्रांट ने? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वान गॉग ने।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। मॉन्टॉज फिल्म संस्थान संगठन मूलतः किस निदेशक की चलचित्र की आश्चर्यना है? ऑप्शन ए वॉल्ट डिज्नी, ऑप्शन बी शिल्पवर्ग, ऑप्शन सी एसेंस्टीन, ऑप्शन डी पासोलिनी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए वॉल्ट डिज्नी। चलिए अगला प्रश्न है, यूनाइटेड स्टेट में कौन सा संगठन विश्व भर में श्रेष्ठ ग्राफिक डिजाइनर को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार देता है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, ग्राफिक डिजाइनर्स गिल्ड यूएसए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे? वर्निनी, डोनाटेल्लो, मेसाचियो की पाउलो उच्चेलो। सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्निनी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 101, मंडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है या उत्तराखंड से कि गोवा से कि छत्तीसगढ़ से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोवा से। मंडी और झागोर लोक नृत्य जो है गोवा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन शरतचंद, दूसरा ऑप्शन रघुपत सहाय फिराक, तीसरा ऑप्शन प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन अमृतलाल नागर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक के लेखक प्रेमचंद है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन डी गुप्त, ऑप्शन डी केसरी। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी केसरी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? पहला है सदृश, दूसरा ऑप्शन है रूपभेद, तीसरा ऑप्शन है प्रमाण और चौथा ऑप्शन है वर्णिका भंग। तो जितने लोगों ने वर्णिका भंग जवाब दिया बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। तो भारतीय चित्रकला का रंग विधान वर्णिका भंग का भाग है। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? पहला ऑप्शन गुलबदन बेगम, दूसरा ऑप्शन सुलेमान मिर्जा, तीसरा ऑप्शन मिर्जा हिंदाल और चौथा ऑप्शन अब्दुल रहीम खान खाना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस हाल्स डच चित्रकार अपने किस चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं? पहला ऑप्शन दृश्य चित्र, दूसरा ऑप्शन स्थिर वस्तुचित्र, तीसरा ऑप्शन व्यक्तिचित्र और चौथा ऑप्शन म्यूरल। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी व्यक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई? ऑप्शन ए धनराज भगत, ऑप्शन बी प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन सी राघव कनेरिया, ऑप्शन डी बलबीर सिंह कट। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है प्रदोष दास गुप्ता। एक ब्राइड की मूर्ति प्रदोष दास गुप्ता ने बनाई है। चलिए अगला प्रश्न है, छितिंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसिया चित्रकार की इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी संत चित्रकार। तो छितिंद्रनाथ मजूमदार को संत चित्रकार के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रूपका चावला, कल्पना चावला, दीपिका चावला, इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी कल्पना चावला। अगला प्रश्न है,
इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है? बी एन आर्य, मदनलाल नागर, पी सिल्टिल, आर के लक्ष्मण। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आर के लक्ष्मण। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नि पुराण में कलाकारों को क्या कहा गया है? देवता, भगवान, योगी कि महर्षि? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, योगी। तो अग्नि पुराण में कलाकारों को योगी कहा गया है। अगला प्रश्न है, 2014 में क्रिकेट खेलते समय किस खिलाड़ी को बाल लगने के कारण मृत्यु हो गई? तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोग ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, फिलिप हयूज। 2014 में क्रिकेट खेलते समय बॉल लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था किसने? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, रजिया सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजधानी वास्तुकला से प्रबल रूप प्रभावित हुई थी? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अकबर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, कांगड़ा शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाल शैली। तो पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली में आरंभ हुआ। अगला है, अग्निपथ किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत जी की, हरिवंश राय बच्चन की, जयशंकर प्रसाद की, राम प्रसाद धारी सिंह दिनकर की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, मदन मोहन मालवीय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि गंगेन्द्रनाथ टैगोर ने? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम द कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1952 की 1999 ईस्वी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1957 ईस्वी में द कॉपीराइट एक्ट लागू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119, अस्फाल्टम नामक सामग्री को इनमें से एक कहा जाता है? रेसिन, फ्रेंचाक, चारकोल, बिटुमेन? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बिटुमेन। अगला प्रश्न देखते हैं, जागीर के बेटे ने निम्न में से कौन सा किला बनवाया था? पहला ऑप्शन लाल किला, दूसरा ऑप्शन दिलवाड़ा का किला, तीसरा ऑप्शन इंदौर का किला और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल किला। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 121, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? तो बताइएगा, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। तो महाकाव्य कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है, इसमें 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एस बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, सारंगी के लिए, बीड़ा के लिए कि म्यूरल के लिए? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीड़ा के लिए। एस बालचंद्रन बीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? बसावन, मनोहर, मंसूर की, अबुल हसन? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अबुल हसन। तो सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार अबुल हसन था। अगला प्रश्न है, वाह चित्रण शैली के जन्मदाता कौन है? ए एन टैगोर, नंदलाल बोस, जी एन टैगोर, आर एन टैगोर?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर वह चित्र शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ द अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए। प्रश्न फिर से एक बार देखिए, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम, एफ एम सूजा, के एस कुलकर्णी, बिमल दास गुप्ता की प्राणनाथ मागो। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्राणनाथ मागो। तो जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार हैं प्राणनाथ मागो। तो आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।